समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता विरोधी दल अखिलेश यादव 30 दिसंबर को कायमगंज में पार्टी नेता नवल किशोर शाक्य के भाई डॉक्टर हरवेश कुमार शाक्य की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने डॉक्टर हरवेश शाक्य को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर भी शोक प्रकट किया और कहा कि इस दुख की घड़ी में वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और एक माँ से बड़ा टीचर कोई नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री उनकी माँ का भी स्वर्गवास हुआ है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इस दुख की घड़ी में मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ और माँ माँ होती है, माँ से बड़ा कोई टीचर नहीं है और वो लोग जिन्होंने माँ का साया खोता है वो सबका दुख बराबर है। हमारी आपकी सबकी माँ और इसी माँ की वजह से हम यहाँ पर हैं, तो ये दुख की घड़ी में हम उनके साथ। एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा इसी जिले में करीब 1,26,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे, लेकिन अग्निवीर कितने बने नहीं बताया गया। इस सरकार में न्याय नहीं मिल सकता। ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ, इसके लिए ओबीसी का आरक्षण हो या दलित के आरक्षण की बात हो, आज ओबीसी के आरक्षण पर प्रश्न लगाया दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कल दलित का भी आरक्षण पे खिलवाड़ करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये सोच रही है कि आरक्षण कैसे खत्म हो, ओबीसी को कैसे दबाया जाए, दलित समाज को कैसे दबाया जाए, उनके हक अधिकार कैसे छीने जाए। वोट लेना है तो वो उनके साथ है, वोट मिल जाए तो उनको ना सम्मान मिलेगा, ना हक मिलेगा, ना हिस्सेदारी मिलेगी। आज सवाल ये है कि जाति जनगणना की मांग जब पहले से चल रही है, जाति जनगणना क्यों नहीं सुनने में आ रहा है? जो ट्रिपल टेस्ट और जो कमीशन या जो आयोग बना है जिसके माध्यम से वो जानकारी हासिल करेंगे, वो हो सकता है 6 महीना 1 साल लगाए। कुछ लोग तो इस बात को ये भी कहते हैं कि कई बार कुछ प्रदेशों में इस तरह की बात आई तो 3 साल लगे थे चुनाव होने में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं उन चीज़ों की जानकारी होने के बाद भी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? अगर सरकार की जानकारी में था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया चुनाव का। इसलिए कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को डाला है और पिछड़े। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ओबीसी के आरक्षण पर भाजपा पर प्रश्न चिन्ह लगाए, साथ ही ये भी कहा कि भाजपा दलित आरक्षण के साथ खिलवाड़ करेगी। भाजपा लगातार ये सोच रही कि ओबीसी और दलित को कैसे दबाया जाए, उनके हक और अधिकार कैसे छीने जाए। वोट लेना है तो साथ है, वोट मिल जाए तो उनके साथ नहीं है। जब जातीय जनगणना की मांग चल रही है तो क्यों नहीं कराए? फरक्काबाद में इसी फतेहगढ़ में 1,26,000 की भर्ती हुई थी, बताइए पर्चे फॉर्म भरे थे नहीं भरे थे? जी भरे थे। 1,26,000, आप बताओ कितने नौजवानों को रोजगार मिला, कितने अग्निवीर बन गए, उसकी सूचना क्यों नहीं मिली आपको? ये सूचना तो मिली, 1,26,000 बच्चों ने यहाँ फॉर्म भरे, 12 जिले के आए भर्ती देखने, लेकिन कितनों को भर्ती मिली आज तक जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि 200 नौजवानों को भी रोजगार नहीं दिया, इसलिए चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और न्याय सरकार में नहीं मिल सकता। गौर करने वाली बात है कि ओबीसी के मुद्दे पर सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद भी विपक्ष सरकार को लगातार घेरने में लगा हुआ है और लगातार ओबीसी के मुद्दे को भुनाया जा रहा है।